यार अजगर, भाभी पढ़ाती तो कम है लेकिन दिखाती पूरा है। तुम दोनों तो भाभी को देख के ऐसे ही खुश हो जाते होगे, तो पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा। और वैसे भी भाभी के पाठशाला में पढ़ोगे तो पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा। तो तुम यहाँ कहाँ करने आती हो, जाओ कहीं और पढ़ लेना। हम दोनों का काम आसान हो जाएगा। तो तुम दोनों यहाँ ठरक मिटाने आते हो, सब मालूम है हमको। भाभी की पाठशाला। अब मुंह फाड़ के ऐसे देखते ही रहेंगे या पढ़ाई भी करेंगे। और अजगर, तुम्हारा अजगर क्यों बाहर आ रहा है? गुड दोपहरिया भाभी जी। गुड दोपहरिया भाभी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। गार्डन में जाके बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम दोनों की तो आग लग गई होगी। अरे भाई, भाभी जी तो आज बड़ी झकास लग रही हैं। सही कहा भाई, कसम से बवाल है, कड़क माल है। तुम लोगों को पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी, हमको भी बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़ने में। गांव में तो अलग ही हल्ला है कि चूरन की बीवी ट्यूशन के नाम पे अपना काम निकालती है। क्या बोल रही भाभी आप, हमें तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला। अच्छा, तो तुम मौका तलाश कर रहे हो। ओके अब पाठशाला शुरू करें। जी भाभी जी, शुरू करते हैं। हाँ। वैसे भाभी जी, आज का पढ़ाएंगी आप? आज तुम लोग बताओ क्या पढ़ोगे। हाँ, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। नहीं भाभी जी, कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाइए, ये ज्ञान और विज्ञान में कुछ नहीं रखा है। ओके, तो आज का सब्जेक्ट है सेक्स अथवा संभोग। जी भाभी जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, चलिए शुरू करते हैं। भाभी जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। करना नहीं है, पढ़ना है। करने का मौका मिलेगा सबको। भाभी जी, हमको लगा करना है। हमको भी लगा। तो अजगर बताएगा, व्हाट इज सेक्स? संभोग क्या है? तुझे पता है? लगता है तुम दोनों को पीने का मन है। भाभी का पानी। हाँ तो बताओ, व्हाट इज सेक्स? भाभी जी, वो सेक्स, सेक्स इज सेक्स। शर्माओ मत, बताओ सेक्स किया तो होगे ना। भाभी जी, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? हिंदी में बताते हैं। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा बताओ। सेक्स अथवा संभोग में अंदर डाल के ऊपर नीचे करते हैं, बहुत मजा आता है। कभी लड़की हमारे ऊपर, कभी हम लड़की के नीचे, कभी कुत्ता बनकर करते हैं, ETC ETC, इसको कहते हैं सेक्स अथवा संभोग। लगता है तुमको बहुत ही एक्सपीरियंस है। तुम चुप रहो, तुम ही बताओ जरा। अरे अरे, इतना अच्छा सब्जेक्ट है आज का, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? उसे फील करो। भाभी, फील कैसे करेंगे, जब करने मिलेगा तब ही ना करेंगे। तो बाथरूम में जाके फील कर लो। और हाँ, आजकल ETC नहीं एक्सेट्रा होता है। ऑर्केस्ट्रा? एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। हाँ। भाभी जी, इनका मुंह खुल गया है,
पिला दो। टेबल पे रखा है पानी, पी लो। जी। साला रोज रोज का यही नाटक है, काफत की पुड़िया उठा रहा है। अच्छा अब जाओ, कल ठीक से पढ़कर आना और हो सके तो कर भी लेना। और अजगर तुम्हें तो बहुत सिखाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता। जी भाभी जी। ठीक है अभी जाओ। जी भाभी जी। आज बहुत जल्दी आ गया। काहे तुमको डिस्टर्ब कर दिए, कोनो दिक्कत है का हमारे जल्दी आने से? डिस्टर्ब काहे करेंगे, रोज रोज रात को आते हैं, आज दिन में आ गए। अरे तो छोड़ दीजिए ना ये पाठशाला वर्षशाला का चक्कर, कोनो घर में कमी है का? हम अच्छा कमा रहे हैं ना। कैसा बात करते हैं जी, आप तो सारा दिन काम पे रहते हैं, बच्चों में हमारा मन लगा रहता है। और जानते हैं भाभी का पाठशाला कितना फेमस हो गया है गाँव में, समझे कि नहीं? का उसाले बच्चे हैं, एक नंबर के लफंगे हैं लफंगे साले। और उसाला बितना और अजगरवा मौका मिले ना तो तुम पे चढ़ जाएं, समझी? आप टेंशन नहीं ना लीजिए, हम संभाल लेंगे। अब इतना का बिच्छी और अजगरवा का अजगर जैसा तो नहीं ना होगा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लोग को मत पढ़ाना। उसाला बितना है ना, उससे तो बच के ही रहना। साला बिगड़े हुए बाप की बिगड़े औलाद है। अब बितना टिटना को छोड़िए ना, अपनी पाठशाला में हमको भी पढ़ा दीजिए ना मास्टरनी जी। पाठशाला तो आप ही का पेटेंट किया हुआ है, कभी भी कलम चला सकते हैं। ये बात तो है, इस अलग गांव वाला कुछ भी बोले पर तुम चीज बड़ी हो, मस्त मस्त। अरे जब से पप्पूआ को भौजी से प्यार हो गई, अरे कहिए से भाई तहिए से हमरा के भौजी से प्यार हो गई, तहिए से हमरा भौजी से प्यार हो गई। अरे बितना आजकल बहुत पढ़ रहे हो। अरे चाचा भाभी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अरे बहुत अच्छा पढ़ाती है कि बहुत अच्छा पिलाती है? अब खुद ही जाके देख लो, पिलाती है कि पिलवाती है, हम थोड़ी ना बताएंगे। बेटा वो तो हम पी लेंगे। आज तुमको मालूम है ये चूरन की मेहरारू भाभी का पाठशाला गांव में बहुत चर्चित है। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। और वो चूरनवा के मेहरारू क्या पढ़ाती होगी? अरे तुम लोग तो उसका ब्लंडर देख के पाठशाला दुकान देख के बहुत खुश हो जाते होगे। चाचा जो अब मल रहे थे ना वही मलते रहिए, ज्यादा हमें परेशान मत कीजिए, हम लोग हो रहे हैं लेट, नहीं तो भाभी हमें मारेंगी। चल। अरे रुको, अरे भाभी मारेगी? अरे बेटा हमको भी मरवा दो, जरा सा मरवा दो बेटा। अरे चाचा चुपचाप बैठे रहिए, बुढ़रिया में ज्यादा मचलिए मत, नहीं तो चाची आके अभी तुम्हारा मल के निकल जाएंगी। अरे बाप रे बाप, चाची हमको मल के निकल जाएगी? अरे बाप रे बाप। मंगरी तुमको पता है काम करिया का होता? तुम जो बताए थे वही होता होगा, हमको का पता, और वैसे भी तुम ही करते रहते हो। तुम बोलो तो हम दोनों ही रेडी हैं तुम्हारे साथ काम क्रिया करने को। पगला गए का तुम दोनों जो हमारे साथ करोगे, और वैसे भी तुम दोनों का ना छोटा पड़ जाएगा, समझे? बितना बित्तू सा होगा। अरे अजगर नाम है हमारा, अजगर के जैसा मोटा और तगड़ा है, कहे तो अब ये दिखा देते हैं। बस करो, देखे हैं बित्ती सा है। तुम कब देख लिया? अरे
आज तुम लोग पहले ही आ गए? जी भाभी, वो का है ना, अजगर को कल वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। वेरी नाइस। और मंगरी तुम्हें, तुम्हें नहीं आया? आओ, आज तुम्हें उत्तेजित कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। आओ। आज तुम लोग जल्दी आ गए? जी भाभी। आपस में पढ़कर डिस्कस करो, मैं कपड़े धोकर आती हूँ, ठीक है? भाभी जी, कोई हेल्प चाहिए रहेगा तो बता दीजिएगा, हम कर देंगे। जब चाहिए होगा तब बता दूंगी, तब तक पढ़ाई करो। अरे भाई, भाभी जब कपड़ा धोएंगी तो उनके आधे लटके रहेंगे ना। चल देखते हैं, चल चल। हम भी चलेंगे साथ में देखने। तुम खुद ही अपना देख लो। जल्दी 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 भागो भागो। तो तुम लोगों ने कामुकता का डेफिनेशन पढ़ा? नहीं। क्यों? भाभी आप ही बता दीजिए ना, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। भाभी जी, हम लोग तो डायरेक्ट पर विश्वास रखते हैं, ये इसलिए थ्योरी नहीं बता पा रहे हैं। और मंगरी तुम? भाभी जी आप ही बता दीजिए ना, हमें भी नहीं पता थ्योरी। अच्छा, तो लगता है आज तुम लोग प्रैक्टिकल के मूड में आए हो। जी भाभी जी। जी भाभी जी। जी भाभी जी। सेक्स इज अ ह्यूमन नीड, सहवास इंसान की जरूरत है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कब किसके साथ लिंग भेद करना चाहता है। कामुकता, स्त्री पुरुष लिंग भेद, सहवास, सेक्स, ये सब एक ही भाव हैं, ये सब सेक्स के ही भाव हैं। भाभी जी आप इतना घुमा घुमा के काहे बोल रही हो? अरे हमारी भाषा में तो पिलाई, ठुकाई, चुदाई, गचा गच, बचा बच, यही सब बोलते हैं। ये सारे बहुत गंदे शब्द, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन जरूरी है। लेकिन अब गांव वालों को कौन समझाए? जी भाभी जी। जी भाभी जी। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें ये बोल कर जाएं कि बेटा हम चुदाई करने जाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर वो ये बोल कर जाएं कि बेटा हम सहवास करने जा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाभी जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन भाभी जी आप थ्योरी मत बताइए, बस आप प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। ठीक है, तो बताओ लिंग गुण सूत्र क्या होता है? भाभी जी ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन लिंग मतलब लंड और सूत्र मतलब चूत। नहीं नहीं भाभी जी हमें नहीं पता, आप ही बताइए ना भाभी जी। देखो, महिलाओं में गुण सूत्र समान होते हैं, जिन्हें हम एक्स एक्स के नाम से जानते हैं। पुरुषों में गुण सूत्र एक गुण सूत्र दूसरे गुण सूत्र से छोटा होता है। नहीं भाभी जी, हमारा छोटा नहीं है, मोटा और बड़ा है। कहे तो अभी ये दिखा देते हैं। अरे यार बैठ जाओ तुम। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, और कितना छोटा और बड़ा है वो तो मैं चेक करूंगी। भाभी जी रट्टा मार नहीं,
प्रैक्टिकल समझाइए ना, हम लोग समझ जाएंगे। हाँ भाभी जी। ठीक है, आज तुम लोगों को यौन क्रिया फीलिंग्स के साथ कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। रेडी हो? हाँ। मंगरी खड़ी हो जाओ और साइड में आओ। अजगर तुम भी। अब दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखो। एक दूसरे के नजदीक जाओ। अजगर अब अपने दोनों हाथ धीरे से मंगरी की कमर पे रखो। अब आराम से उसे अपनी ओर खींचो। आराम से, घबराओ मत। अब एक हाथ धीरे धीरे मंगरी के स्तन पे रखो। भाभी जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे मंगरी के फुटबॉल अर्थात बूब्स पे हाथ रखो। उसे मर्म स्पर्श करो। और मंगरी, हाँ? तुम उसे संवेदना के साथ फील करो। जी भाभी जी। इतनी जोर से मत करो। इधर देखो। अरे बाप रे बाप, लाग रहा राजा जी। यही से बिटला अजगरवा यहाँ पढ़ने आता, अब समझ में आया। अजगर क्या समझे? मंगरी को ऐसे ही महसूस कराना है। जी भाभी जी। कि उसके मुंह से खुद तुम्हारा नाम निकले। कि बस अजगर, अब कंट्रोल नहीं होता, अब अपना लिंग प्रवेश कर दो। समझे? ठीक है भाभी जी। भाभी जी, हमको करने दीजिए ना, अच्छा करेंगे। इतना एक एक करके, अभी सिर्फ देखो और सीखो, तुम्हारा नंबर भी आएगा। अजगर, तुम धीरे से मंगरी की लाली पे चुम लेंगे। तुम्हें संभोग करना बिल्कुल भी नहीं आता। काम क्रिया जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह करनी चाहिए। फीलिंग्स आनी चाहिए, फीलिंग्स। ये नहीं कि बस ऊपर चढ़ गए और उछलना चालू। अब जाओ, कल आना। लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। भाभी जी, हमारा नहीं हुआ, हमको आप ऐसे ही भेज रही हैं। एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे। जाओ अभी, कल आना। भाभी जी, कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए एक्सप्रेस चला दिए बिना ब्रेक लगाए हुए। वैसे अच्छा था आजकल का काम क्रिया।